किस प्रकार के संस्कार के लोग यहां रहते हैं, उनके आहार विहार का पता तो बाद में आपको लगेगा। उनके घर में प्रवेश करते ही घर के वातावरण से आप भाग सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि यहां किस प्रकार के लोग रहते हैं। जिस घर में नित्य प्रति धूप बत्ती अगरबत्ती दीपक जला करके भगवान की उपासना की जाती है, उस घर में प्रवेश करते ही सुगंध से पवित्रता से आपका हृदय भर जाएगा। लेकिन जिस घर में मांस मदिरा और अंडे भुने जाते हैं, उस घर में प्रवेश करते ही बदबू से आपके नाक को दम आ जाएगा और आप सोचेंगे कि कहां मैं आ गया यमालय में। ये घर का वातावरण भी घर के निवासियों के भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार से हनुमान जी जब पहुंचते हैं लंका में और लंका में जगह जगह प्रवेश करके देखते हैं, आखिर में जब विभीषण की कुटिया के पास आते हैं तो उनका हृदय प्रसन्नता से खिल जाता है, क्योंकि वहां पर बदबू नहीं है, वहां पर मांसाहारी लोग नहीं रहते, वहां मद्यपाई लोग नहीं रहते, वहां पर किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं है, वहां सुगंध आ रही है, वहां भगवान के भक्त रहते हैं, महात्मा विभीषण। इसलिए हनुमान जी विचार करते हैं कि चारों तरफ राक्षसों की नगरी में, निशाचरों की नगरी में, चारों तरफ मांसाहारियों की नगरी में, मद्यपायियों की नगरी में। वो मांसाहारी ऐसे नहीं थे कि मांस ला करके और पकाकर खाते हो, ना ना, वहां तो कच्ची मांस खाने वाले भी थे। तुलसीदास जी ने लिखा है, कौ महिष मानुष धेनु खल अधखल निखाकर भक्षही, केवल पशुओं की मांस नहीं मनुष्यों की मांस का आहार करने वाले थे वह। और उस नगरी में विभीषण जी रहते थे, इसलिए हनुमान जी विचार करने लगे कि लंका निशिचर निकर निवास, यहां तो निशाचरों के समूह का निवास है। कितने निशाचर हैं यहां गिनती नहीं, जिधर दृष्टि जाती है निशाचर ही निशाचर दिखाई देते हैं। कहा निशाचर कहते किसे, एक बात और आपको समझा दूं, निशाचर के जो आप लोगों ने कहीं राक्षसों का चित्र देखा होगा, उनके मथे पर सींग देखा होगा, उनके लंबे लंबे दांत देखे होंगे, उनका मोटा पेट देखा होगा, सही में ऐसे निशाचर नहीं होते। निशाचर ऐसे भले आदमी की तरह होते हैं, बिल्कुल सुंदर शरीर होता है, सुंदर वर्ण होता है। काफिर चित्रकार ऐसा क्यों बनाते हैं, क्या वो जो सर के ऊपर सींग तीखे दिखाते हैं, ये उनके क्रोध का प्रतीक है, ये उनके लंबे लंबे दांत दिखाते हैं, ये उनके लोभ का प्रतीक है, और जो उनके बड़े पेट दिखाते हैं, ये उनकी वासना कामना का प्रतीक है, और जो विकराल रूप दिखाते हैं उनके अहंकार का प्रतीक है। ये केवल जो अंतर की उनकी दुर्भावनाएं हैं, उन दुर्भावनाओं को पर्सोनिफाई करते हैं, उन दुर्भावनाओं को चित्रित करते हैं चित्र के रूप में। वाकई निशाचर ऐसे नहीं होते, वो तो मनुष्य जैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जिस घर में रावण पैदा हुआ वहीं विभीषण पैदा हुआ, एक ही बाप की संतान है। लेकिन तुलसीदास जी से पूछा गया, फिर निशाचर क्यों कहे गए, उनको क्यों निशाचर कहा जाता है, तो तुलसीदास ने उत्तर दिया, कामा महिमा तू पिता नहीं देगा, जो माता पिता दे इनको नहीं मानता, नहीं मानता इन। और साधुन सन करवा वही सेवा, और जो संत पुरुषों से अपनी शक्ति के बल पर सेवा करवाते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, भगवान शंकर जी समझा रहे हैं कि हे भवानी, इस प्रकार के जिसके आचरण हैं, जाने उत ही निश्चर सब प्राणी, ऐसे प्राणियों को तुम निशाचर जान। निशाचर के कोई अलग रूप रंग नहीं होते, निशाचर की जो प्रकृति है वो तो प्रकृति के नाते निशाचर कहे जाते हैं। उनके हृदय में माता पिता गुरुजन देवी शक्ति आदि के प्रति आदर नहीं होता, वो घोर विषयी, घोर शरीर आसक्त और घोर अनाचारी जीवन जीने वाले होते हैं।
किसी भी कुल में हो सकता है, हो सकता है कि वो भगवान कृष्ण का मामा ही क्यों हो, कंस के नाम से प्रसिद्ध हो जाए, हो सकता है वह पांडवों का चचाजात भाई क्यों हो, दुर्योधन के नाम से प्रसिद्ध हो जाए, और भी ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे इतिहास में। किसी ऋषि का ही पुत्र हो सकता है, लेकिन निशाचर एक प्रवृत्ति है, निशाचर कोई जाति नहीं है, ये बात याद रखिए। मनुष्यों की वह प्रवृत्ति निशाचर कही जाती है जो अपने सुख में ही सुखी रहने की चाह रखती है, जो दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके भी स्वयं को सुखी रखना चाहते हैं वो निशाचर है। इसीलिए हमारे यहां धर्म शास्त्र में ये बात समझाई गई कि जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं दुख सहले उसे संत कहते हैं। संत सही दुख पर हित लागी, दूसरे के हित के लिए स्वयं दुख सह लेना ये संत का काम। और हम सुखी रहें और दूसरा भी सुखी रहे ये सामान्य मानव का धर्म है, लेकिन हम सुखी रहें चाहे दूसरा सुखी रहे या दुखी रहे ये असुर वृत्ति है। और हम सुखी रहें दूसरे के सुख को छीन करके ये राक्षसी निशाचरी वृत्ति है। इससे परे जो ऐसी भावना रखते हैं, जिनके हृदय में ऐसी चाह है, जो दुनिया को केवल सुख देने के लिए ही अपना जीवन जीते हैं, जिनका दुनिया से कुछ लेना नहीं है, जो देते ही रहते हैं वो देवता कहे जाते हैं, और इन सबके मूल में जो विराजित हो परमात्मा है तो आप लोग जानते हैं। तो निशाचर की एक वृत्ति होती है, उस वृत्ति से युक्त व्यक्ति को निशाचर कहते हैं। लंका में रहने वाले सभी निशाचर वृत्ति के लोग हैं, उसमें एक संत वृत्ति का है जिसका नाम विभीषण है। हनुमान जी को आश्चर्य है, और जिस समय वो विचार करते हैं उसी समय विभीषण जगते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं, हनुमान जी पहचान लेते हैं कि ये संत है। मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूं वो इससे आगे की बात है कि विभीषण लंका में रहते हुए, निशाचरों के मध्य में रहते हुए अपनी साधुता को सुरक्षित कैसे रख सके, पहली बात। और इतने अनाचारी अत्याचारी परिवार के सदस्य होते हुए भी उन अत्याचारों का विरोध क्यों नहीं किया, दूसरी बात। और तीसरी बात, भगवान को स्वयं आश्चर्य हुआ है जबकि विभीषण से उन्होंने प्रश्न किया है कि खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाई कई भांति। खल मंडली में रहते हुए भी हे मित्र तूने अपने धर्म का निर्वाह कैसे किया, आज की परिस्थिति आप देखिए, और विभीषण की परिस्थिति से आप अपना अपनी तुलना कीजिए वर्तमान के समाज की, और देखिए कि ऐसे समाज में क्या कोई अपने यथार्थ रूप से कर्तव्य का धर्म का पालन कर सकता है, कैसे करेगा, और करने के लिए उसमें कितना साहस चाहिए। क्या ऐसा कोई इतिहास में उदाहरण है कि दुष्ट समाज में रहता हुआ भी व्यक्ति सज्जन बना रह सका। इसका उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने, महर्षि वाल्मीकि ने आपके समक्ष विभीषण का चरित्र व्यक्त करके प्रदान किया है। यह विभीषण का चरित्र आपको यही बताता है कि आप किसी भी प्रकार की स्थिति में रहते हुए अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। एक बात याद रखना, रावण ने मांगा मैं अमर हो जाऊं, लेकिन वो अमर नहीं हो सका,
और विभीषण ने मांगा कि मेरा प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाए, निर्मल प्रेम हो जाए। उसने अमरता नहीं मांगी थी, लेकिन अमरता किसको मिली? भगवान राम ने स्वयं विभीषण से कहा, करे कल्प भरी राज तुम मुहि सुमिरे मन माही, पुनि मम धाम सिधाये जहां संत सब जाई। कहने का अभिप्राय, विभीषण ने अमरता नहीं मांगी किंतु उसे अमरता मिली। रावण ने अमरता मांगी लेकिन वो अमरता से वंचित रह गया। आशय क्या है इसका? इसका आशय यह है कि जो परमात्मा के चरणों में पवित्र अनुराग रखता है वह बिना चाहे भी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, वह बिना चाहे भी अभाव से मुक्त हो जाता है, वह बिना चाहे भी अज्ञान से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, और इसके साथ ही वह प्रभु के कृपा का भाजन बन जाता है। भगवान को यह कहना पड़ा, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धर्म देह नहीं आन निहोर। और ऐसे संत के लिए भगवान को, उस निराकार परमात्मा को भी निराकार रूप में अवतार लेना पड़ा। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि घबराइए ना, यदि वर्तमान का वातावरण दूषित होता जा रहा है, चारों तरफ अनाचार अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार का बोलबाला होता जा रहा है, ये घबराने की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि आप चाहें तो आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी सम्मति समाज को प्रदान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप सत्य की उपासना कर सकते हैं। और याद रखिए, जिसके परिणाम में आप सुख के ही भाजन बनेंगे, आनंद के ही भाजन बनेंगे, ये दुनिया के अनाचारी दुराचारी आपको पीड़ा नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आपके रक्षक भगवान हो। ये रामचरितमानस में विभीषण के चरित्र से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। विभीषण संत हैं, भगवान स्वयं उनको संत की उपाधि से विभूषित करते हैं। विभीषण सज्जन हैं, हर सहृदय कट सज्जन चीना, वो संत हैं, सज्जन हैं और धर्मनिष्ठ हैं, भगवान के अनन्य चरणानुरागी हैं, उनके हृदय में कोई वासना नहीं है, और निर्वासनिक होते हुए भी वे अपने परिवार से अलग नहीं, परिवार में रहते हैं। भाई दुराचारी है, इससे उनके हृदय में कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है। उस दुराचारी भाई को भी सुधारने का प्रयत्न करते हैं। आप देखिए विभीषण के चरित्र का प्रकाश रामायण में सुंदरकांड के उत्तरार्ध से होता है। मैं आप लोगों को यहां पर 8 दिन जो हैं बाकी विभीषण के उस शरणागति की कथा सुनाऊंगा, विभीषण के ही पावन चरित्र का वर्णन करूंगा, क्योंकि वर्तमान की स्थिति जो है वो इसी प्रकार से होती जा रही है कि यहां पर बहुतायत किसकी बढ़ती जा रही है। अब हम क्यों कहें कि निशाचरों की, लेकिन आप लोग जानते हो। और इस समय विभीषण के स्तर के लोग बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिल पाएंगे, और जो है भी वो हमेशा भयभीत रहते हैं कि हम अपने धर्म का निर्वाह कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक बहुत बड़े गंभीर समस्या है, और तब की अपेक्षा अब की समस्याएं और कठिन हो गई है। हम ये देखते हैं ईमानदार व्यक्ति ईमानदार नहीं रह पाता, न रह पाने में कई कारण हैं, उसमें एक कारण तो यह भी है। अभी कोई मेरी शिष्या यहां बोलते हुए बता रही थी आप लोगों को, नारियों के प्रति कन्याओं के प्रति जो दृष्टिकोण है, आप लोग देख रहे हो दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से नहीं कहूंगा, हमारी दृष्टि से दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन समाज की दृष्टि से दुर्भाग्य से यदि किसी के घर में 4-5 कन्याएं हो जाए तो बेचारा उजड़ जाए। कारण ये है, या तो उनके विवाह के लिए इतना पैसा कमा करके दहेज दे, और या कौन सा रास्ता अपना ले,
जिस रास्ते से उनके दहेज देने के लिए पैसा आ जाए, आप जरा कल्पना कीजिए। और यदि दोनों रास्ता नहीं तो उसके पास तीसरा रास्ता क्या है, या तो उसकी कन्याकुमारी रह जाए, और कन्याकुमारी रह जाए तो पिता को क्या पीड़ा होती है ये तो आप लोग जानते होंगे। ऐसी स्थिति है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात लिखी है कि जिस समय सीता के स्वयंवर में धनुष उठाने वाला कोई नहीं खड़ा हुआ, तैयार नहीं हुआ, नहीं उठा सका, तो महाराज जनक ने बड़ी व्यथा के साथ ये बात कही थी कि शुक्र तु जाई जो पन परिहर हूं कुंवरी कुमारी रहू का करहूं, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो धर्म नष्ट होता है, ऐसी स्थिति मेरी पुत्री कुंवारी रह जाए मैं क्या कर सकता हूं। और जिस समय जनक ने कहा तो तुलसीदास लिखते हैं कि जनक बचन सुनी सब नर नारी देख जान की भये दुखारी। जनक की बात सुन करके सारी प्रजा स्तब्ध रह गई और जानकी को देख करके सबको पीड़ा हो। किसी पिता की पुत्री इसलिए कुंवारी रह जाए कि वह पिता अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पा रहा है, या वर्तमान में किसी पिता की पुत्री इसलिए कुंवारी रह जाए कि उसके पास यथार्थ मात्रा में दहेज देने के लिए साधन नहीं है, क्या बीतेगी उसके ऊपर। मैं तो समझता हूं ये जितने कानून बने हैं दहेज न देने के लिए लेने के लिए, ये सब बेकार है, इनसे कोई काम नहीं बनने वाला है। और मैं ये भी समझता हूं कि यदि समाज के कुछ लोग संगठित होकर के समाज सुधारक ये चाहे कि दहेज प्रथा बंद हो जाए, ये भी बंद होने वाली नहीं है। इसके लिए केवल एक ही रास्ता है, वो रास्ता देवियों को अपनाना पड़ेगा। यदि लड़कियां ये कृत संकल्प हो जाए, दृढ़ संकल्प कर ले कि दहेज मांगने वाले के साथ विवाह नहीं किया जाएगा, सभी लड़कियां, चाहे इसके लिए माता पिता से उनको विद्रोह करना पड़े, लेकिन दृढ़ निश्चय कर ले कि दहेज मांगने वाले से विवाह नहीं करेंगे। आप देखिए थोड़े दिनों बाद लोग नाक रगड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि बिना विवाह का रहने वाला कौन है, आप जरा सोचो। और ये लड़कियां कर सकती हैं, उनमें आत्मबल जागृत हो जाए, वो यदि सजग हो जाए तो ये उनके बस की बात है। लेकिन यहां पर आप जानते हो, मैं बड़े दुख के साथ ये बात बता रहा हूं कि दहेज की बलि वेदी पर मरने वाली जितनी लड़कियां हैं उनमें कारण उनकी सास होती है, ननद होती है, जेठ और पति नहीं होते, बहुत कम होते हैं। क्योंकि ये दहेज की डिमांड जो है वो देवियों की तरफ से ज्यादा आता है, पुरुषों की तरफ से उतना नहीं होता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि ये सजग हो जाए, समझ जाए, स्वयं में स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए अपने आत्मबल को लेकर खड़ी हो जाए तो दुनिया में भला पुरुष क्या करेगा उनके सामने, क्योंकि ये जन्मदात्री हैं, संस्कार दात्री हैं, और इन्हीं के रक्त से पुरुष के शरीर का निर्माण होता है। इसलिए ये जितनी कुप्रथाएं हैं ये सारी कुप्रथाएं समाप्त हो सकती हैं यदि जागृति आ जाए समाज में। तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता था कि आजकल की स्थिति में भी विभीषण की तरह आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, आप अपनी निष्ठा को बरकरार रख सकते हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी उस परमात्मा में अमल अनुराग हो जाए, अखंड अनुरक्ति हो जाए, स्वार्थ रहित प्रेम हो जाए, और आप ये समझ लें कि मेरी रक्षा के लिए परमात्मा की शक्ति सदैव मेरे साथ, तो रावण ऐसे अनाचारी के साम्राज्य में रहते हुए भी आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। विभीषण के चरित्र का प्रकाश यद्य बालपन के उस दोहे से हमें मिल जाता है, तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग, किंतु विशेष रूप से सुंदर कांड के उत्तरार्ध में जैसा मैंने बताया, जिस समय हनुमान जी लंका जला करके आ जाते हैं और जब मंदोदरी को यह पता चल जाता है कि सिंधु पार सेना सब आई, और मंदोदरी रावण को बुलाकर
रावण के सामने प्रार्थना करती है कि राम से तुम विरोध मत करो, राम कोई सामान्य पुरुष नहीं है। भला सोचो, हनुमान ऐसा जिसका दूत हो वह स्वयं स्वामी उसका कितना महान होगा। मंदोदरी के समझाने पर रावण मुस्कुराता है, बल्कि उसका उपहास करते हुए कहता है, नार स्वभाव का वर्णन करते हुए, नार स्वभाव सत्य कभी कहीं, अवगुण आठ सदा उड़ रहे, साहस अंध से बहुता माया, भय अविवेक असमुच अदाया। कभी कभी देवियां बहुत प्रश्न कर लेती हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नारियों की निंदा की है, और उस निंदा के लिए ये चौपाइयां दोनों व्यक्त करती है। नारी स्वभाव सत्य कभी कही, अवगुण आठ सदा उड़ रही। मैं उनसे कहता हूं कि भाई, ये तुलसीदास जी नहीं लिख रहे, कह रहे, ये रावण कह रहा है। जो महाकाव्य के लक्षण को जानते हैं उनको इतना पता है कि महाकाव्य का रचयिता कवि जो होता है उसको जो कुछ कहना होता है वो अपने नायक के द्वारा कहलाता है। यानी रामायण में राम ने जो बातें कही है वो तुलसी का मत है, तुलसी का सिद्धांत है। रावण ने जो बातें कही वो तुलसी का सिद्धांत नहीं है। तुलसी तो उसको अपने सिद्धांत के विपरीत आचरण करते हुए देखते हैं और मानते हैं। तो ये बात रावण ने कही है कि अवगुण आठ सदा उड़ रही, और किसके लिए कहा है? मंदोदरी ऐसी पत्नी के लिए कहा जो परम साध्वी है, जो ब्रह्मज्ञ है, वेदज्ञ है, जो शास्त्रज्ञ है, और जो रावण को हित का उपदेश देती है। रावण मंदोदरी का उपहास करते हुए उससे विदा लेकर के आ जाता है, लेकिन उसके हृदय में भी ये बात बैठ जाती है कि हनुमान ने लंका फूंकी, मेरे पुत्र का वध किया, मेरे देखते देखते बड़े बड़े वीरों का संहार कर दिया, और अब वही हनुमान अपने स्वामी राम को लेकर के समुद्र के तट पर आ गया है। उसके हृदय में एक दहशत पैदा हुई, भय पैदा, और भयभीत होकर के ऊपर से अपनी शान बघारते हुए अपने दरबार में जाता है, और दरबार में बैठते ही उसने अपने मंत्रियों को बुला करके सबसे पहले प्रश्न किया कि अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। ये मंत्रियों से प्रश्न करता है, मंत्री लोग उसकी ठकुर सुहाती जिसे कहते हैं चापलूसी, जैसे आजकल चापलूसों का हर एक पार्टी में आपको प्राधान्य मिलेगा, ऐसे चापलूस मंत्री उससे कहते हैं कि जिद्यो सुरासुर तब डर नाही, नर बानर कहीं लेखे नाही। आपने जब देवताओं को असुरों को जीत लिया तब तो आप भयभीत नहीं हुए, आज मनुष्य और बांदरों से इतने क्यों भयभीत हो रहे हैं आप? तुलसीदास जी लिखते हैं कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय वो नहीं भय आस, तो राज भरम तब तीन कर होई वेग ही नास। राजा के लिए यदि उसके मंत्री भयवश उसके महिमा का गान करें, रोगी से भयभीत होकर यदि वेद उसके मनमानी बात बतावे, और गुरु यदि शिष्य से भयभीत होकर उसको हित का उपदेश न दे, तो राजा का, शिष्य का और रोगी का अवश्य नाश होता है। यह सिद्धांत कहते हुए आगे तुलसीदास जी लिखते, सोई रावण को बनी ताई, अस्तुत करे सुनाए सुनाई। अब उसी समय अपने बड़े भाई रावण को, जो राज करे निज मंत्र, जो अपने मंत्र से राज करता था, उसको भयभीत जानकर विभीषण जी रावण के दरबार में पधारते हैं, और पधार करके आगे क्या वार्तालाप करते हैं। भगवान ने कहा फल बता देना, आज समय बिल्कुल ठीक 9 बजा है, आप अपने अपने घड़ी देख सकते हैं। मैंने सवेरे बताया था कि जब मैं यहां बोलना शुरू करूं तो जान जाना कि 8 बज गया, और जब मैं बंद करूं तो जान जाना कि अब 9 बज गया। तो अब आप मेरे साथ प्रार्थना कर लें, कल सवेरे फिर मिलेंगे। सवेरे के कार्यक्रम के विषय में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि 7 से 9 जो रखा है वो जल्दी है, कुछ 10 बजे तक प्रोग्राम चलना चाहिए। तो हम विचार कर रहे हैं
इस विषय में थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे। कल आपको 9 बजे के बजाय 9:30 बजे तक मेरे विचार सुनने को मिल जाएंगे और फिर मैं देखूंगा, यदि सेट हो गया तो कार्यक्रम चलेगा। गर्मी अधिक हो गई तो फिर मैं बंद कर दूंगा। अब ये मौसम के ऊपर निर्भर है। रात्रि का समय तो अपना है, जितना रात होगी ठंडी होगी, और दिन का समय जो आप जानते हो भगवान सूर्य का है, उनके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। और यदि वो तीव्र किरणों से आपको संतप्त करने लगेंगे तो मैं क्या करूंगा और आप क्या करेंगे, तो विश्राम देना पड़ेगा। तो अब आप लोग मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, कल सवेरे फिर मिलेंगे आपको यहाँ पर। 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और 9:30 बजे तक आप उसका आनंद लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 वो।